हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है, उत्साह से मनाए। उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी, सोजत रोड थाना पुलिस की एक अच्छी पहल। कोरोना से बचाव के लिए इस रक्षाबंधन पर कदम जरूरी है। लगाए रखो मास्क, बनाए रखो सामाजिक दूरी। कस्बे के थाना परिसर में बुधवार को मोहर्रम व रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस जन सहभागिता सदस्यों व पुलिस मित्रों की बैठक सोजत उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी के मुख्य अतिथियों में सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की अध्यक्षता में सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं से अपील की रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने के बाद हेलमेट गिफ्ट देकर सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। वाहन चलाते समय हेलमेट लगा हुआ रखें। थाना परिसर से कस्बे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से कस्बे में होर्डिंग लगा। ग्रामीणों को दिए नए यातायात नियमों की जानकारी। यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर जुर्माने की भी जानकारी दी गई। इस दौरान कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी गई। सोजत उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी ने त्योहार को आपसी भाईचारे उत्साह से मनाने की अपील की। सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने अपने उद्बोधन में ग्रामीणों को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, सामाजिक आयोजन से बचने के लिए भीड़ से दूर रहने के लिए त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की। पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने कस्बे में ग्रामीणों से अपील की कि शराब पीकर वाहन न चलाए, हेलमेट लगा हुआ रखे, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगा हुआ हो, रक्षाबंधन के पर्व पर कसम ले हेलमेट लगा हुआ रखेंगे, मास्क पहनेंगे एवं नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करेंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि सोजत सर्कल में पुलिस प्रशासन सतर्क है, सतर्क रहेगा। उन्होंने पुलिस मित्रों की एवं सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम सहित सभी पुलिस कार्मिकों की प्रशंसा की। आम जन से अपील की कि त्योहार उत्साह व सादगी से मनाए। इस दौरान समाज सेवी अनूप सिंह लखावत, अनिल शर्मा, अनिल कुमार व्यास, साबिर रंगरेज, इसाक मोहम्मद, कुशाल चंद जैन, कपड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष दिनेश सिरवी, दिलीप खाटेड़, पूरण मारू, कमल सोनी, अमोलक भाटी सहित पुलिस जन सहभागिता सदस्य मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए व्हाइट सोजत उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी, इन्होंने ये कहा, त्योहारी सीजन चल रहा है, दो दिन बाद मोहर्रम है, उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद में जन्माष्टमी का त्यौहार है, उसके बाद में गणेश चतुर्थी है, तो उस संबंध में सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इस उद्देश्य से ये CLG की मीटिंग आज सोजत रोड थाने में रखी गई थी। सभी से ये अपील की गई कि त्यौहार के मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, सब लोग मिलजुल के भाईचारे को कायम रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के कारण से जो परिस्थितियां पहले रही है तो ऐसी स्थिति वापस नहीं आए, इसलिए जो सरकार की कोविड के संबंध में गाइडलाइन है उसको सभी फॉलो करें। सभी जो उपस्थित CLG के जो मेम्बरान थे उन्होंने भी इस बात में हामी भरी कि सबका सहयोग रहेगा और त्यौहार उसी अनुरूप मनाएंगे जिस रूप सरकार के गाइडलाइन है, और सभी लोग भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। थैंक यू। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।